कारून के मुतालिक जिक्र आया है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक ऐसा मालदार शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वा आतैनाहुल कुनूस, उसे हमने बहुत खजाने दिए थे, मा इम मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, इसके खजाने की चाबियां सिर्फ 70 ऊंटों पर रखी जाती थी चाबियां, और खजाने कितने होंगे, जहां तक नजर जाती है उसके खजाने थे, महलात जिसमें माल पड़ा हुआ था। जब जकात का हुक्म आया तो मूसा अलैहि सलाम की कौम पर जकात बनी इसराइल पर 25% थी, अगर होती तुम्हारे ऊपर तो क्या करते हैं, 25% 100 में से 25 रुपए देने पड़ते, 1,00,000 रुपए में 25,000 रुपए देने पड़ते, यहां 2,500 नहीं निकलते हैं। उसमें कई मसले पूछते हैं लोग बचाने के लिए, कि अभी इस पर साल नहीं गुजरा, उस पर साल नहीं गुजरा, कहीं ना कहीं उसको छुपाओ बचाओ। मियां हमसे क्या छुपाओगे, जिसने दिया है उससे क्या छुपाओगे, वो हर चीज तुम्हारी जानता है कि माल तुम्हारे पास कितना है, कहाँ है, कैसा है। लिहाजा चोरी जकात में नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह ताला के हुजूर है, उसके हुक्म में। मौला फरमाता युखादिउनल्लाह वहुवा खादिउहुम, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं जबकि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं जन्नत की तरफ बुला रहा हूं और ये खुद धोखे में पढ़कर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। ये कुरान की आयात के मफाहिम है। कारून अब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में 25% जकात, अच्छा ये एक बात ये भी याद रख लें, उनको 25% जो जकात फर्ज थी वह ऐसी नहीं, उनको अल्लाह ने उतनी नियामतें भी तो अता की थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने बनी इसराइल को पूरी दुनिया में सबसे अफजल बनाया था, और उनको अल्लाह फरमाता है उज़कुरू नियामती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फ़ज़्ज़ल्तुकुम अलल आलमीन, मैंने तुमको पूरे दुनिया में सबसे अफजल बनाया था ऐ बनी इसराइल, मेरी उन नियामतों को याद करो। क्या क्या दिया था उन्हें रब ताला मालूम है, जन्नत से रोज खाना उतरता था, रोज मन और सलवा रोजाना जन्नती खाना उतरता, उनके अगर नाखून बढ़ जाते वो नियत करके सो जाएं तो सुबह कट जाते थे, नाखून काटने की जरूरत नहीं, कपड़े अगर मैले हो जाएं तो धोने की जरूरत नहीं, बल्कि रात को सो जाते सुबह उनके कपड़े धुल जाते थे, जब वो चलते थे तो धूप भी नहीं, बादल का एक टुकड़ा हमेशा उनके ऊपर साया बन करके चलता था, जहां वो जाए छाव ही, तो जाहिर सी बात है पूरी लाइफ एयर कंडीशन हो तो 25% जकात ना हो तो और क्या हो। उनको मन और सलवा उतर रहा है, और फिर नियामतें इतनी कि ना खाना पकाना है, ना कपड़े धोना है, ना नाखून काटना है, ना बाल काटना है, कुछ भी नहीं काम, तो जो माल आया है खर्चा कहाँ होगा, खर्चे हमारे हैं, हमको कपड़े लेने पड़ते हैं, हमें खाना बनाना पड़ता है, उनका कोई खर्चा नहीं था, इसलिए 25% जकात थी। लेकिन कारून की जब 25% की बात आई, बहुत माल जा रहा था, तो उसने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा मेरे लिए अपने रब से कहकर के कुछ कम कराओ, रियायत कराओ। यहां से एक बात पता चलती है कि नबियों को अल्लाह ने मुख्तार बनाकर भेजा है, इख्तियार देकर भेजा है, वो अगर मौला से अर्ज करें तो किसी को मौला ताला अलग हुक्म भी दे सकता है। आपने दुआ की, अल्लाह ने फरमाया ठीक है, कारून से ये कहना कि उसके लिए हमने बहुत कम कर दिया ज़कात, 100 में 25 थी ना, 100 में 25 से घटाकर कितनी होना चाहिए, कंसीशन कोई भी करे 5% घटा दे 20, या चले 15% कम 10% दे दो, या कोई बहुत ही ज्यादा मार्केट में मार्जिन रख करके बेच रहा है तो 5% तक आ जाएगा, भाई 25% तुम फायदा ले रहे हो अब 5% लो। अब ये कारून को माफ कितनी हुई जकात मालूम है, 1,000 में 1 रुपया दो, 100 में 1 नहीं, 1,000 में 1 रुपया दो, खुशी से तो उसको फूले नहीं समाना चाहिए, इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, परसेंटेज के एतबार से देखा जाए तो बहुत नीचे आ गए, 0 पॉइंट में आ जाएगा। अब उसने उस हिसाब से जब लगाया खजानों में, तो एक
यानी हजार में एक के हिसाब से जब उसने हिसाब किया तो कई सौ खजाने उसके सिर्फ जकात में जा रहे थे, कई खजाने खाली जकात में निकल रहे थे। फिर दिल नहीं माना, माल की हिर्स और लालच ऐसी ही होती है। इसलिए बाज नौजवानों ने भी मुझे सवाल किया था, ये पीएफ पर जकात है या नहीं, प्रिविडेंट फंड जो होता है, नौकरी करने वालों की हर महीने कुछ तनख्वाह कट करके बैंक में जमा होती रहती, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो कंपलसरी होता है, कुछ प्राइवेट लोग जॉब्स वालों के लिए भी हैं ऐसे सिस्टम कि उनका पीएफ कट करके जमा होता है और उनके रिटायरमेंट के वक्त वो पूरा दे दिया जाता है, उस पर भी जकात फर्ज है जो आपकी पीएफ जमा हो रही है। दो ऑप्शन है आपके लिए, आज इस साल देखो आपके पीएफ में आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उतने की जकात दे दो। नहीं देना चाहते हैं तब भी शरीयत की तरफ से ऑप्शन ये है, रिटायरमेंट के वक्त पूरी जब आएगी सब मिलाकर के हर साल की देते आओ, 25 साल अगर तुमने ड्यूटी की है तो 25 साल की जकात निकालनी पड़ेगी, फिर वही हो जाएगा जो कारून के साथ हुआ, पूरे कई खजाने निकल रहे मेरे पीएफ के। तो जाहिर सी बात है जब रिटायर्ड होता है तो किसी के 20-25 लाख रुपए आते हैं, और 20-25 लाख रुपए जब आए तो अब उसे 25 साल की जकात भी देखनी पड़ेगी। ड्यूटी अगर 25 साल किया है, 30 साल किया है, तो हर साल पीएफ जितनी जितनी हर साल रही उतनी जकात, एक बड़ा सरदर्द रहेगा उसको हिसाब करने का। इसलिए आज करंट अमाउंट कितनी है तुम्हारी पीएफ में, इतनी निकालते चले जाओ, हर साल निकालते चले जाओ, इंशाल्लाह वो महफूज भी रहेगी। जिस माल की जकात निकाल दी गई वो अल्लाह के जिम्मे करम में हिफाजत में आ गई, अगर वो कहीं चली भी गई तो अल्लाह उसका 10 गुना ज्यादा तुम्हें जिंदगी में लौटाएगा। जकात निकाले हुए माल की बात कर रहा हूं। कारून ने निकाला, बहुत खजाने जाने लगे, तो उसने कहा कोई सस्ता काम देख लेते हैं। मालदारों की यही एक कैफियत होती है, अल्लाह के नाम पर नहीं दे सकते लेकिन जान बचाने के लिए कहीं रिश्वत देना हो तो जल्दी दे देंगे, वो हजारों में नहीं लाखों में भी रिश्वत देने को तैयार होंगे। उसने एक गलीज किस्म की औरत को हायर किया, फाहिशा थी, तवाइफ, उससे कहा कि तुझे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, बस भरे मजमे में मैं मूसा से कुछ सवाल करूंगा जीना के बारे में, तू सिर्फ ये कह देना कि मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। मुआज़ल्लाह रब्बिलान, जीना की तोहमत लगाने के लिए कारून ने औरत को हायर किया है, किराए पर लिया है। उसने कहा ठीक है तैयार हूं, कितने पैसे उसको देने को तैयार है, इधर जकात नहीं देना है और एक फाहिशा को सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए पैसे देना है। ये बहुतों की कैफियत आज भी है मेरे अजीजों, आज भी है। बचने के लिए किसी को गिराने के लिए पैसा दे दो, किसी को भी लाओ खड़ा कर दो। तो वह औरत आई मजमे में, सारे लोग बैठे थे, मूसा अलैहि सलाम खिताब कर रहे थे, कारून भी उसमें था, खड़ा हुआ पूछने लगा ऐ अल्लाह के नबी, अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना करे तो उसके लिए क्या सजा है? मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया उसका मुंह काला किया जाए और रजम किया जाए, पत्थरों से उसे इतनी बारिश की जाए कि वह हिलाक हो जाए। यह मूसा अलैहि सलाम की शरीयत में भी यही हुक्म था। तो कारून खड़े होकर के कहता अगर आपने किया तो मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत मूसा अलैहि सलाम को जलाल आ गया, कहा अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, अल्लाह की पनाह मैं जाहिलों में से नहीं हूं। तूने नबी के मुतालिक सोचा कैसे कि मैं कर सकता हूं? अल्लाह ने नबियों को पैदाइशी मासूम बनाया है, वो गुनाह करना तो छोड़ो सोच भी नहीं सकते, उनके अंदर गुनाह करने की जो कैफियत होती है वो अल्लाह ने रखा ही नहीं, जो शहवत होती है नफ्से अम्मारा, ये नबियों को अल्लाह ने रखा ही नहीं, फरिश्तों को और नबियों को अल्लाह ने इससे पाक रखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी ये कहा ही था कि कारून जो है उस औरत को खड़े होने का कहा, खड़ी हो जा, तो औरत खड़ी हुई लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखते ही कांपना शुरू कर दी। नबी का जलाल जैसी जिस्म पर पड़ा तो वो थरथराने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या बात है, क्यों खड़ी है, क्या कहना चाहती है? कारून उसको सपोर्ट कर रहा था, बोल बोल। तो उस खातून ने कहा ए मजमे वालों सुनो,
कारून ने मुझे मुंह मांगा इनाम देने की लालच दी और ये कहा कि मैं मूसा को इल्ज़ाम लगाऊं कि मेरे पेट में उनका बच्चा पल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कारून ने मुझे पैसे देने की बात कही थी। ये अल्लाह के नबी हैं, पाक हैं। उसने पूरे मजमे में ये कह दिया। हिम्मत नहीं हो सकी। एक बात याद रखें, बुजुर्गों ने फरमाया है, नबी के दामन पर पैवंद तो लग सकते हैं, धब्बा नहीं लगता। अल्लाह ताला हमेशा अपने नबियों की हिफाजत फरमाता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत में है। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने हुक्म फरमाया, या अर्द इब्लाई, बल्कि खुद इल अर्द, इब्लाई नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, ऐ जमीन, पकड़ ले इसको, कारून को। जमीन फट गई, कारून अंदर धंसने लगा। जमीन ऐसी फटी कि वो धसता धसता अंदर चला गया। तो जाते जाते उसने फिर ये जोश गुरूर, जो माल की लालच होती है, एक बात याद रखे, मेरे आका ने फरमाया, सच फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि दुनिया का जो हरीस है, कब्र की मिट्टी उसके जिस्म पर पड़ने तक भी उसके अंदर से वो हिर्स और लालच नहीं जाती। उस वक्त तक उसके अंदर वही तलब तमन्ना वही रहती। कई ऐसे आधे मुर्दे सोए हुए हैं अब भी दुनिया में, यानी आधी लाश हैं, वो हिल नहीं सकते, ढुल नहीं सकते, लेकिन उन्हें अकाउंट पूरा चाहिए, कितना है, कहाँ है, क्या क्या है, सारी चीजें। ये खौफ नहीं होता कि अब मुझे रब के हाँ पकड़ करके ले जाया जाएगा, मेरा वहां क्या होगा, नहीं, ये सारी चीजें उनको, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। कई तो ऐसे बूढ़ों को गले पे ला करके बेटे बिठाते हैं दुकान पे, जिनको चलने की ताकत नहीं। आखिरी वक्त है, अल्लाह के हुजूर जाने की कुछ तो तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तूले अमल जिसको कहते हैं, यानी लंबी उम्मीद, अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे। ऐसे कई बूढ़े बगैर तोबा के चले गए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कारून धंस रहा था, अब तो तोबा कर लेता, लेकिन उस वक्त उसने क्या कहा, ऐ मूसा, तुम अपनी ताकत के बलबोते मुझे जमीन में धंसा कर मेरे खजानों पर कब्जा करना चाहते हो, तुम्हें असल में माल चाहिए था, इसलिए इतना सब किया तुमने, ये सब मेरे खजाने तुम हड़प लोगे। वो अल्लाह के नबी बेनियाज होते हैं, किसी चीज की उन्हें तलब नहीं होती। आपने हुक्म फरमाया, जमीन रुक जा, ना निकल इसको, गर्दन तक धसा था, रुक गई, जमीन ने छोड़ दिया, वैसे ही रुका रहा। उसके खजानों की तरफ आपने इशारा फरमाया, ऐ जमीन, पहले इन्हें गुबार कर दे, यानी इनमें इसके पूरे खजाने धूल बना दे। ऐसे लगा जैसे कोई बम फटा हो, पूरे के पूरे खजाने रेत में बदल गए। मैं खुद मिस्र में वो देख करके आया हूं, आज भी वो रेत मौजूद है। पूरे के पूरे खजाने ऐसे धंसे कि ना उसमें माल, ना सोना, ना चांदी, ना मिट्टी, कुछ नहीं, पूरा रेत बन गए। उस जमाने में उन्होंने डंप किया था उसको, ऐसा कि वो पूरा खाक, राख की तरह की बालू बनी हुई। उस जगह का नाम ही आज बुहैरा कारून है। मिस्र में, इजिप्ट में, कायरो सिटी से, वहाँ की कैपिटल सिटी से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर अल-फय्यूम एक शहर है, जहाँ ये मौजूद है आज भी, बुहैरा कारून। जहाँ तक देखो सिर्फ यही नज़र आता है, ये रेती का समंदर, एक छोटा समंदर बन गया है, जहाँ इसके खजाने थे पहले। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे धूल बना दिए और उसके बाद फिर कहा, कारून देख ले, तेरे सामने ही तेरे सारे खजाने पलीद हो गए, खाक आलूद हो गए, कुछ नहीं रहा बचा। अब फिर वो रोने धोने लगा। आपने उसकी कुछ न सुनी, बल्कि जमीन हुक्म फरमाया जमीन को, और जमीन फटी और वो अंदर हमेशा के लिए चला गया। रब तबारक व तआला फरमाता है, इन قارون كان من ام موسى فبغى عليه واعطيناه من الكنوز ما ام مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين। अल्लाह फरमाता है, मूसा अलैहि सलाम ने जो कहा था अपनी कौम से, ए लोगों, खुशियों में घमंड न करो, इसलिए कि अल्लाह ताला खुशी से नाचने वाले को पसंद नहीं फरमाता। फरीहीन कहते हैं इतराने वाला, जब कुछ चीज, कोई चीज आ जाए उसके पास, इतराने वाला।
इस वाकये के बाद आखिरी मेरा मैसेज ये है कि एक दिन के बाद ईद के कपड़े जब तुम्हारे जिस्म पर आ जाएं तो खुशियों में नाचना मत। बाज़ लोगों की आदत है, बच्चे नौजवान अच्छे उम्दा कपड़े पहनकर हाथ में कुछ पैसे आ जाएं ईदी, सबसे पहले इसको ले जाकर जुआ खेलें या फिर किसी सिनेमा थिएटर में इसको लगा दें। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीई, खुशियों में नाचने वालों को अल्लाह हरगिज पसंद नहीं करता। आज मेरे आका की रहमत है कि जमीन नहीं फटती और हम अंदर पूरे के पूरे नहीं जाते, वरना गुनाह हमारे बनी इसराइल से कम नहीं है, उनसे ज्यादा है। ये मेरे आका की रहमत है कि वो मौजूद है हमारे साथ, लेकिन आखिरत का अजाब वो तो बरहक है।